हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत लोगों का डिमांड ये था कि भैया आप ये बताइए कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज खरीदनी होती है, तो इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो रेडी है आपके लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में गए हो, या आप बीएमएस के लिए ट्राई कर रहे हो, या आप नीट एक्सपीरियंस हो, तो ये वीडियो आपके लिए। और मैं इस वीडियो में ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसको मैं अपनाकर अपना पैसा बहुत सारा बचा लिया। तो फर्स्ट ईयर में जो जो बुक्स खरीदनी होती है उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जो है ये वाला वीडियो देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बुक्स के साथ में और क्या क्या खरीदनी होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो, मैं हूं विकास कुमार सिंह, स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर बीएएमएस, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। तो फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है एप्रोन की। कोई और कलर का मत ले लेना, व्हाइट एप्रोन ही लेना। मैंने जो ट्वेल्थ में एप्रोन लिया था केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए, वही मेरा चल रहा है अभी तक। मुझे फिर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए जानबूझकर मैंने अपने साइज के हिसाब से बड़ा एप्रोन खरीदा था। मुझे लगा उस समय में मेरा हाइट बढ़ेगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जाकर खरीद सकते हो। तो मैंने जानबूझकर फुल एप्रोन खरीदा था। बाद में कहीं अगर हाफ करवाना हो तो दर्जी के पास जाकर कटैया छटैया करा जा सके। तो कोशिश करिएगा कि आप अच्छा सा अच्छा कपड़ा लेकर ही आप एप्रोन बनवाइए या फिर आप खरीदिए। तो सस्ता वाला खरीदेंगे तो बिल्कुल आप झंडू टाइप के लगेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप मेरा एप्रोन का क्वालिटी देखिए। तो कुछ कॉलेज जो एप्रोन प्रोवाइड करते हैं अपना कॉलेज का लोगो लगाकर, तो अगर कॉलेज वाला आपको खुद से दे रहा है तो आपको वही चीज खरीदना होगा, आप बाहर से नहीं खरीद सकते। कुछ कॉलेजेस बुक्स भी प्रोवाइड करती है, तो ये आपका चॉइस है आपको खरीदना है या नहीं है। मैंने जो बुक्स बताया है वही आप लीजिएगा अगर कॉलेज वाला दे रहा है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, वो है स्टेथोस्कोप। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ अभी याद आया, तो आप पहले ये वीडियो देखिए कि उसका पैर पूरी तरीके से ठीक हो गया बिना एंटीबायोटिक्स के। कैसा देखो? लुक तो बहुत अच्छा है। बहुत साफ हो गया। एंटीबायोटिक्स खाया था? एंटीबायोटिक्स आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक खाया था। मैंने एलोपैथी का कोई एंटीबायोटिक खाया था? एलोपैथी कुछ नहीं खाया था। देखो कितना अच्छा हो गया था। मेरा तो बहुत पहले ही हो गया था। अच्छा, दो एक दिन लग दवा खाए थे उसी में मेरा ठीक हो गया था। टॉन्सिल जो बढ़ा हुआ था वो भी मेरा ठीक हो गया था उससे। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा काम किया। नहीं, बहुत अच्छा काम। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं कि उसके पैर को क्या हुआ था। तो हाँ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, वो है स्टेथोस्कोप। हर डॉक्टर का पहचान होता है स्टेथोस्कोप से, और ये जरूरी भी है क्योंकि बीपी कैसे नापोगे बिना स्टेथोस्कोप का। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर। कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन ही खरीदिए, ऑनलाइन में आपको ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप दुकान से खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है दुकान वाला आपको ठग ले। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त को अच्छे से चूना मारा है, डायरेक्ट डबल दाम पे बेच दिया। इसीलिए हो सके तो आप ऑनलाइन खरीदने की कोशिश करिएगा। फिलहाल के लिए आपको जो खरीदना है वो है सिंपल वाला स्टेथोस्कोप। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रेशर पार्टी में स्टेथोस्कोप दे दिया जाता है। एटलीस्ट हमारे कॉलेज में जो फ्रेशर पार्टी होता है उसमें सबको स्टेथोस्कोप दे दिया जाता है। आपके कॉलेज में क्या सीन है ये मुझे नहीं पता, बट हमारे कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में सबको देते हैं बकायदा इज्जत के साथ। तो नेक्स्ट है स्फिग्मो मैनोमीटर। इसको प्यार से बीपी मशीन भी बोलते हैं। बीपी मशीन का मतलब ब्लड प्रेशर नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बीपी मशीन कहते हैं, या स्फिग्मो मैनोमीटर। तो स्फिग्मो मैनोमीटर जो है तीन टाइप्स का आता है मार्केट में, पहला डिजिटल, दूसरा मीटर वाला, और तीसरा मर्क्यूरी वाला। तो हो सके तो कांटा वाला लीजिए, मतलब जो है मीटर वाला वही लीजिए। डिजिटल में भी रॉन्ग हो सकता है और मर्क्यूरी वाला कैरी करने में बहुत ही टफ होता है। तो सबसे बेस्ट होगा आप जो कांटा वाला है वो जो ऐसे करके घूमता है वही आप लेने का कोशिश करिएगा, सबसे बेस्ट होता है। उसके अलावा आप ना लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अब आप ये भी ऑनलाइन ही कोशिश करिएगा लेने के लिए। ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर प्रोडक्ट कभी कभी बेकार आ जाता है तो उसको आप जो है रिप्लेस करवा सकते हैं। आप जरूर रिप्लेस करवाइएगा, इसी तरह बैठे मत रहिएगा। खराब लेके फिर बाद में चिल्लाइएगा कि मेरा गलत बता रहा है। तो ये दोनों जो चीज है ये फिजियोलॉजी का पार्ट हो गया, और ये फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में काम आएगा आपको फर्स्ट ईयर में ही। एप्रोन पहनकर स्टेथोस्कोप कंधे पे लगाकर आप अगर फोटो ना खींचे तो आप क्या ही मेडिकल स्टूडेंट हो। ये देखो, इनको एनाटॉमी में ह्यूमन का ऑर्गन दिखाया जा रहा है, एकदम ओरिजिनल वाला। ये लोग देखिए कितना खुश है, हमारे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के हैं स्टूडेंट्स। तो देख रहे हो ना आप ह्यूमन हार्ट को। मैं भी फर्स्ट ईयर में था तो ह्यूमन हार्ट को पकड़ कर दिखाया था। आपने मेरा इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा तो इंस्टाग्राम को अभी जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर वालों को लेकर चलाया जाता है बीपी नापने के लिए, बस सिर्फ बीपी नाप। तो ये लोग इतने ही में ही खुश हो जाते हैं, पेशेंट का बीपी चेक किया कर गए। हमारे साथ भी यही हुआ था, नॉर्मल है। और अगर कोई बोले मुझे कि बीपी चेक कर दो तो
बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतना बीपी चेक कर लिया मैंने, अब मुझे मन नहीं करता। तो अब बात करते हैं एनाटॉमी प्रैक्टिकल। तो एनाटॉमी प्रैक्टिकल के लिए आपको ग्लव्स खरीदनी होगी। डाइसेशन जो होता है वैसे टीचर करते हैं डाइसेशन, आप रिक्वेस्ट करिएगा आपको भी चांस मिल जाएगा। तो ग्लव्स इसलिए खरीदना है क्योंकि आपको ऑर्गन पकड़कर देखना होगा और टीचर पूछेगा भी कि किस ऑर्गन का कौन सा ये पार्ट है, ये कौन सा सरफेस है, ये कौन सा बॉर्डर है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं। तो हो सके तो पहले पहले 10-12 ग्लव्स खरीद के रख लीजिए, बार बार खरीदने का जरूरत ना पड़े। कोरोना का टाइम है, ग्लव्स का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मैंने ये जानकारी के लिए बता दिया है। तो मास्क तो बोलूंगा नहीं क्योंकि वो सब पहनते हैं, तो आपको भी पहनना अनिवार्य है क्योंकि फॉर्मलिन का गंध इतना आता है आपका आंख नाक सब जलना चालू हो जाएगा। तो ज्यादातर डाइसेशन जो होता है वो ठंड के मौसम में होता है और ठंड का मौसम अभी इस टाइम पे ही होना चाहिए, लेकिन यही बात है ना, कोरोना 6 महीना पीछे छोड़ दिया है इंडिया को। अब पता नहीं एडमिशन कब होगा, उम्मीद करते हैं फरवरी में हो जाए और तुरंत बॉडी आ जाए और जल्दी जल्दी डाइसेशन दिखा दिया जाए। अब बात करते हैं कुछ ट्रिक्स जो मैंने अपनाया अपने लाइफ। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ये बात, मैंने कभी स्टेथोस्कोप खरीदा ही नहीं और ना ही बीपी मशीन, वही मेरे क्लास वाले ने सब खरीद लिया और मैं शातिर दिमाग वाला लड़का, तो मुझे तो मिल गया स्टेथोस्कोप फ्रेशर के दिन ही। तो अब जितने भी स्टूडेंट है सबके पास दो हो गए स्टेथोस्कोप, उनको पता ही नहीं था। जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो एक बार में ही अच्छा वाला ले लूंगा जो कि होता है लिटमैन का। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, लिटमैन का 7-8 हज़ार से तो शुरू ही होता है उसका स्टेथोस्कोप। फिलहाल जो है अभी मैं इसी से काम चला रहा हूं। और बीपी नापने के लिए दो तरीके, पहला भाई दे तो इसका बीपी देखता हूं कितना बताता है तेरे वाले से, दूसरा ये कि ओ भाई प्लीज नाप दे यार, समझ रहे हो। बट मेरे तरह तुम लोग बिल्कुल भी मत बनो, खरीद लेना, ज़्यादा दाम नहीं पड़ता। मैंने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मुझे बीपी मशीन मिल जाएगा, मतलब स्फेग्नोमैनोमीटर मिल जाए, और अगर जरूरत पड़ा बीच में तो दोस्त लोग तो है ही। फिर अब क्या खरीदना होगा, अब खरीदना होगा आपको बोन्स का सेट। ये ऑनलाइन नहीं मिलता, ये आपको ऑफलाइन ही खरीदना होगा। तो अगर नहीं खरीदना है तो आपको इसमें भी दिमाग लगाना होगा, सीनियर्स को थोड़ा तेल लगाओ, बटरिंग करो, बोन्स का सेट आपके हाथ में। फिलहाल इतना ही है फर्स्ट ईयर में, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। फाइनली अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा ब्लॉग। मैंने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मुझे बीपी मशीन मिल जाएगा, मतलब स्फेग्नोमैनोमीटर। वो दवाई कंपनी वाला आते रहता है, वो मैं उनसे बात कर लूंगा, मिल जाएगा, उसका कोई चाप ही नहीं। और कुछ बाबुल खुश है, आयुर्वेद से बहुत खुश है ना? खुश है, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, कुछ मेरा ठीक हो गया। और कहा हो गया था तुमको? और ये दर्द हो रहा था ना, वो भी ठीक हो गया, और बाकी कुछ तो नहीं था ना? नहीं और कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पे ना दो उंगली का थोड़ा गैप रखना होगा, ठीक है? उधर घुसाने में भी ना अपने अपने एक ठो कला चाहिए। क्या चाहिए? कला लगाओ।